पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो कल हम बग्वाल देखने गए थे देवी धुरा, तो हमें तो बहुत मजा भी आया, लेकिन बहुत बढ़िया लगा वहाँ। लेकिन तुम तो नंबर एक के डरपोक हो, भाग जाते हो, जरा ऐसे बग्वाल इधर को आए, जरा पत्थर आए तो डरने का कितना हो रहा था वहाँ, कितनी भीड़ हो रही थी भयंकर, तो डर तो लगता ही है ऐसे माहौल में, क्या डरना है। और एक जगह पे हमको बैठने को जगह मिली, वहाँ पे हम फ्रंट में बैठ गए पहले, उन्होंने उठा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तो पत्थर आ जाएंगे, तुम वापस जाओ, दूसरी जगह जाओ। एक तो हम घर से ही लेट हो गए थे ना। नहीं, पत्थर नहीं आएंगे, पत्थर तो आते ही हैं, वो वहाँ पर वो रखते हैं जो बड़े अपने वो ढाल जो थी उनकी फर्रे बोल रहे थे उनको, वो फर्रे रखते हैं वहाँ पर, ऐसे ऊपर रखते हैं ना वो। तब तो डर, ऐसी जगह में डरना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि वहाँ बीच में ऐसे जा रहे कि मैं ही लड़ूंगा युद्ध, ऐसे जा रहे थे बिल्कुल बीच में से देखते हैं बस। या तो हम आस पास रहते, सर फूट जाता कार कॉल ड्राइव पे था, वहाँ 212 लोग घायल हो गए। हमसे कह रहे डरते हो आप ना, आड़े अमल में देखूंगा यहाँ क्या हो रहा है। और जब आदमी के सर हर फूट गया तो घर भी कैसे आएंगे हम लोग। ऐसी जगहों में डरना ही चाहिए, ज्यादा वो नहीं दिखानी चाहिए अपनी, क्या बोलते हो उसको, हीरोगिरी। पूरी व्यवस्था थी वहाँ, डॉक्टर सब थे, डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी अब जब दिक्कत हो जाती है, हमें पता होना था कि वहाँ क्या होने वाला। फिर गाइस ऐसा हुआ कि वो खामों की आपस में ही वो हो गई, एक खाम को उन्होंने आने नहीं दिया, तीन ही खाम लड़ पड़े, तो वो अंदर आ गए जहाँ पुष्कर सिंह धामी जी थे। हाँ, मुख्यमंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री हम भी वहीं पर बैठे थे, और वो सारे के सारे वहाँ आ गए लड़के, और इतना हल्ला करने लगे, हमें तो इतनी डर लग गई, मेरे को वहाँ भी डर लग रही। मैं कह रही चलो पीछे के गेट से निकल लो, नहीं हम देखेंगे क्या हो रहा है, एक डंडा पड़ता ना तब पता चलता क्या हो रहा है यहाँ। तो चलो, लेकिन सब मिला के अच्छा हुआ, माँ बाराही का दरबार में अच्छा लगा। क्योंकि एक जो क्रिया करता है दूसरा वो ही क्रिया करना शुरू कर देता है, दिमाग उनके सबके एक से ही चलने लगते है। लेकिन एक बात है, वहाँ कम से कम 100,000 लोग थे, लेकिन उनका डिसिप्लिन सबका, सब अपने अपने स्थानों में बैठे हुए थे, किसी ने कोई भगदड़ नहीं मचाई। अब ये छोटा मोटा तो थोड़ा बहुत अलग होता है। सही में वहाँ 125,000 लोग उपस्थित थे, और माँ वाराही देवी की ऐसी कृपा थी कि एक का भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ। बहुतों के सरों में चोट लग गई थी, लड़कियां भी घायल हो गई, बच्चे भी घायल हुए, बुड्ढे भी घायल हुए। बाद में ऊपर जाके टीवी में देखा, क्योंकि हमें जगह ही नहीं मिली तो हम टीवी में देख रहे थे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हमने कैमरा ऊपर कर लिया था। तो अपनी सब्जियां तो संभालो, सब्जियां संभालो यार पहले अपनी। और जाते वक्त इतना भयंकर कोहरा था ना, लो 2 घंटे तो हमको कोहरे ने लेट करवा दिया। तो गाइस वहाँ रास्ते में सब्जियां मिल रही थी, तो हमने सब्जियां ले ली, दो सब्जियां खाली कर देते है, गांठ टाइट हो रही है। मैंने कद्दू खरीदा, देखो पहाड़ी कितना प्यारा सा कद्दू है, एक कद्दू लिया, और ये वही की लोकल सब्जियां थी तब मैंने लिया। कैंची काट दो, कैंची से काट दो, कैंची से काट दो, नहीं खुल गई, हां खुल गई, जरूरी है। लोकल वेजिटेबल इसलिए लिया हमने कि लोकल लोगों को भी थोड़ा फायदा होना चाहिए, है ना, जो लोग उगा रहे होते हैं वही खेती कर रहे, जो मंडियों तक नहीं बेच पाते, और थोड़ा फायदा हमको भी हो गया साहब जी, 200 रुपए का तुम्हारे चाय पानी का खर्चा निकाल है ना। ये देखो करेले भी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और इन सब्जियों में से ताजी, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है। और रेट का भी बहुत फर्क था भाई, ये कद्दू हमारे वहाँ 100 रुपए किलो मिल रहा है, वहाँ हमको 60 रुपीज किलो मिला पहाड़ी पे। तो उतनी दूर जंगल में जो गए थे लेने, 70 रुपीज किलो था ना, ज्यादा था, डेढ़ किलो था। आलू भी तो लाए, और ये देखो 5 किलो हमने आलू लिए, इनको फैलाना पड़ेगा ऊपर, कोई बात नहीं, इसकी तो गांठ काटनी पड़ेगी यार, कैंची ला दो जरा अंदर से। अच्छा, और भी तो दिख रहा कुछ, अरे हाँ ये देखो मूली भी ली हमने, ये वहाँ की लोकल मूली है,
ये भी 50 रुपए किलो है। बलमा में मूली होती है बल। हाँ तभी तो ये मूली वहीं की अलो का काट दो से। तो गाइस हमने तो संभाल लिया अपनी सब्जियां। भाई ये रोड के किनारे बैठे रहते हैं ना बेचारे, वो बच्चे कह रहे थे आओ आओ आंटी मैडम आओ। मैडम कह रहा था वो तो दूसरी दुकान में मत जाना, दूसरी दुकान छोटा बच्चा था 10-12 साल का, हमारी दुकान से ले रहा वो ना मेरे गाड़ी तक पहुंचा के गया। ये क्यों नहीं काटे, ये तो ऐसे रह गया। आलू भी काटने, आलू ले काटन छिन सब्जू, आलू ले काटन छिन। मेरे को तो हंसी तो आई जब वो कहता मेरी दुकान से लेना, मेरी दुकान से लेना। तो गाइस अगर आप बग्वाल देखने जा रहे हैं तो संभल के जाएं, वहाँ बहुत अफरा तफरी का माहौल होता है, जैसे तैसे लोग तो जाएं ही ना। छोटे बच्चों को लेके तो बिल्कुल ना जाए, छोटे बच्चों को लेके तो बिल्कुल ना जाए। और हम मंदिर के पास खड़े थे उस समय, कैसा हुआ ना, हाँ। वो आगे आगे से बाप रे, और एक बच्चा चिल्लाने लगा उसका पेड़, और हम लोग सब गिरने को हो गए। मैंने सोचा अब मरते हैं यहाँ आज, हम गिर के सब। बगवाली वीरों ने धक्का मुक्का बहुत करते हैं, बगवाली वीरों को बहुत जोश होता है ना, मंदिर में दर्शन करने आए थे ना, तो भीड़ भी थी फिर उनकी बहुत ज्यादा। हाँ भीड़ भी थी, 250 आदमी थे, कम से कम 250 एक साथ आते हैं। हाथों में डंडे और फर्रे होते हैं। एक बार तो मुझे ये हो गई थी हम क्यों आए यहाँ। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, वो असल में वो प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो जगह खाली करानी चाहिए। मुझे तो हो रही थी, क्यों है हो रही थी ना, एक बार मुझे भी हो रही थी स्टार्टिंग में जब तुम मुझसे कह रहे थे वीडियो बना, मैं ऊपर जगह ढूंढ रही थी, तू तो जगह ढूंढ रही थी। और जब वो आए ना, वो जब वो बच्चे का पैर दबा, मेरे को हो गया अब हम कैसे निकलेंगे इस भीड़ में से। नहीं निकल जाते, वो थोड़ा सा प्रशासन की गलती है, वो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई, जब वो उनको पता है कि मंदिर में दर्शन करने भगवानी वीर इस रास्ते से आते हैं तो पूरा रास्ता खाली करा देना चाहिए था, वहाँ नहीं बैठने देना चाहिए किसी को। अंदाज नहीं था ना, स्पेस भी नहीं था ना, कहाँ नहीं तो जितना वहाँ जगह है उस हिसाब से भीड़ बढ़ती जा रही है ना, दर्शकों की भी और उसकी भी। वो ठीक है, तो वो रास्ता लेकिन खाली कराना चाहिए, उनको जब पता है इस रास्ते में तो आना ही है उन्होंने, तो रास्ता खाली होना चाहिए। उनसे कहते भैया आप दूसरी जगह, प्रशासन था कहाँ जी, वहाँ चार पुलिस वाले, वो भी मुख्यमंत्री आया करके तब उसके पीछे लगे थे वो, तब बाद में ऊपर रस्सी वस्सी लेके आए जब उन्होंने हंगामा काटा, मुख्यमंत्री के आगे ही पहुंच नहीं, पुलिस थी वो इन्वॉल्व नहीं होते हर जगह की पुलिस थी, लेकिन ऐसे नहीं थी ना, तो बताना तो चाहिए आप यहाँ पे खड़े नहीं, लोकल वो रखने चाहिए फिर लोकल लोगों से कहते हैं आप वॉलंटियर बनो, आप बताओ कि कहाँ पे खड़ा होना है कहाँ पे नहीं खड़ा होना है। तो वो बता तो नहीं थे तभी तो उन्होंने हटाया, तो मंदिर के रास्ते से क्यों नहीं हटाया, बाल मंदिर के रास्ता तो बिल्कुल भरा हुआ था, बैठे थे लोग, वहाँ भी हटाना चाहिए था। और वो एक्चुअली में सीढ़ियाँ तो जो बनी है वो बैठने के लिए ही बनी है, मैं तो के वहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं, कमेटी के मेंबर जो हैं, देवी धुरा है, हाँ देवी धुरा के जो मंदिर कमेटी के मेंबर हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए वहाँ पर 3 सीढ़ी तक किसी को बैठने ना दे, जाली लगा दे यार, या तो जाली लगाए उसके पीछे। अब जब तुमने बैठने का बना रखा तो जनता तो जब कभी अल्मोड़े से आएगी, जनता भीमताल से आएगी, रानीखेत से आएगी, और फर्रे लगाने के बजाय जाली लगा दो, हाँ फर्रे लगाने के बजाय जाली लगाओ वहाँ पर, और बैठने मत दो, पहले मत बैठने दो ना। और भाई देखने वाले लोगों के भी सिर फूट गए, वहाँ 3 तो लड़कियां ही बेहोश हैं, क्योंकि माँ के दर्शन करने तो पूरी दुनिया आएगी, और उस व्यवस्था को संभालना भी बहुत बड़ी बात। लेकिन वो जो वहाँ की शक्ति है ना बिल्कुल साक्षात है, आप जो भी मांगते हो लोग कहते हैं कि वो उसी समय पूरी हो जाती है। वो तो वहाँ के लोग अच्छे हैं कि बिल्कुल भी भगदड़ वैसे नहीं मची, वैसे बहुत अच्छा है, जितने भी लोग आए थे सबने बहुत ही संयम से काम, और जगह होती ना तो भयंकर हो जाता। हाँ मैदानी क्षेत्रों में अगर कभी होता तो वहाँ बहुत धड़ला हो जाता, ये तो है। लेकिन वहाँ बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक, थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने तो कई व्यवस्थाएं देखी है। और काम करते हैं, अब इनको संभाल देते हैं, आलू को फैला देते हैं, मुझे तो अंदाज ही नहीं आ रहा है नए आलू है पुराने आलू है, नए आलू है कैसे लग रहे हो, नए
तो गाइस मैं दिन भर अजगर की तरह सो गई थी क्योंकि कल हम बहुत थक गए थे और अब रात हो चुकी है और आज हमारे बर्तन लेट मले हुए हैं तो ये सूख नहीं रहे हैं, तो मैंने पोंछ लिए कपड़े से और अब मैं सोच रही हूँ इनको ड्रायर से सुखा दूँ और उसके बाद फिर इनको मैं संभाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन फैले हुए हैं। कल के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे तो ये अभी सूख जाएंगे और बड़े बर्तन मैंने ऐसे सुखा लिए हैं गैस पे रख के। और आज हमारे यहाँ बन रहे हैं खाने में करेला, ये देखो गाइस जो करेले हम लेके आए थे ना उसकी सब्जी बन रही है और ये बन रहा है राजमा। तो गाइस मैं तो अभी मुझे बहुत सारे बर्तन सुखाने हैं तो थोड़े तो मैंने इस तरीके से सुखा लिए हैं तो मैं अपने बर्तन सुखा रही हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।